ये मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन के लिए हम करते हैं। कई लोगों के मन में आता है कि हम चित्त वृत्ति को भगवान तक लेकर जाएं, पर पहुंचे कैसे? गंगा के घाट पर रहने वाला वो ब्राह्मण को भी नरक भोगना पड़ा क्योंकि गंगा स्नान के लिए नहीं गया। नर्मदा जी के घाट पर रहकर कोई सोचे कि मैं नर्मदा नहीं नहा रहा हूं पर नर्मदा के घाट पर रह रहा हूं तो बैकुंठ मिलेगा? नहीं भाई, ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा तूने, इसलिए मां नर्मदा के घाट पर तुझे जन्म मिल गया। और मंडी दीप वालों, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, सत्यता की, ये आप सबका ना जाने कौन सा भाग्य होगा मंडी दीप में। मंडी दीप के लोग तो रहते हैं, वो अपनी जगह पर है, पर मंडी दीप में ना जाने कहां कहां के लोग आकर नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, और पति उनका ऑफिस में कमाने के लिए जाता है, पर धर्म पत्नी घर में रहती है। तो आपको ना जाने भगवान ने कौन सी कृपा करी है कि मंडी दीप में लाकर बिठा दिया, क्योंकि मंडी दीप में जितनी भागवत सत्संग होता है उतना सत्संग तो भोपाल तक में नहीं होता है। आपको इसलिए लाकर बिठाया कि आप यहाँ बैठकर सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, पर ओटले पर बैठकर निंदा ना करें। चित्त वृत्ति में परमात्मा में आ गया। चित्त वृत्ति में भगवान आपके भीतर समाहित है। और जब हमारे भीतर जब भगवान भक्ति का स्मरण, चित्त वृत्ति का आनंद, सुख समाहित होगा, तो ये पक्का है कि भगवान से मिलन जरूर होगा। और एक और चीज याद रखिए, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को कपट प्रिय नहीं है। आज के जमाने में जितना छल हो रहा है उसके बराबर दुनिया में कोई छल नहीं कर सकता। जितना अच्छा लगा देखा देखी में भगवान कभी नहीं मिलता। भगवान ढोंग प्रपंच छल, आज के जमाने में एक छल बड़ा विचित्र है। एक ढोंग लोग करने लगे, मंदिर में जब भी दर्शन करने जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं। करते कि नहीं करते? जहां भगवान बैठे हैं उसके पीछे लोग प्रणाम करते हैं। कौन से पुराण में, कौन से शास्त्र में, कौन सी जगह पर लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करना चाहिए? गर्ग संहिता में और पद्म पुराण में दोनों जगह पर वेदव्यास जी ने लिखा कि लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, पार्वती जी ने शंकर से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा कि हे प्रभु आपके सम्मुख में क्या है और आपकी पीठ के पीछे क्या है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरे सामने धर्म का निवास होता है और मेरे पीठ के पीछे अधर्म का निवास होता है। अधर्म मेरे पीठ के पीछे विराजमान है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है कि मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। पर कोई बिचारी परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवाल पकड़ के खड़ी हो गई, सिर दीवाल से टिका लिया, दूसरी ने देखा कि पीछे प्रणाम करो तो भगवान मिलता है। आज के जमाने में लोग भगवान को आगे कम प्रणाम करते, पीछे मादा ज्यादा भड़ी खड़ी। क्यों भैया? भागवत कितनी बार सुनी है बोलो तो मंडी दीपाली जी, कितनी बार भागवत सुनी? हर भागवत में एक चरित्र आता है कि भगवान जब जरासंध के साथ युद्ध लड़ने के लिए गए और काल्यावन जब सेना लेकर आया तो भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। बोलो सही है? तो क्या भगवान युद्ध नहीं लड़ना जानते थे? तो क्या भगवान युद्ध करना नहीं जानते थे? तो क्या भगवान काल्यावन को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, काल्यावन को भगवान मार देते। तो दाऊ जी ने पूछा, रे कृष्ण कन्हैया एक बात मुझे बता कि तू इतना बड़ा योद्धा है, इतना प्रबल तू योद्धा है, इसके बाद भी तू युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा सैनिकों के कपड़े पहनकर ब्राह्मण खड़े हैं तो क्या इनके चक्कर में भाग रहा है? कृष्ण कहते हैं, नहीं, ये सैनिकों के कपड़े पहनकर ब्राह्मण खड़े हैं
जब मैं लंका के राजा रावण ब्राह्मण था, जब उसके वंश को नहीं छोड़ा तो इसको क्या नहीं छोड़ूंगा, मैं मारने को तैयार खड़ा, तो फिर भाग क्यों रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ दादा सामने ये काल्यवन लड़ने आया है, तो ये काल्यवन से क्या डरना? भगवान कहते हैं, दाऊ दादा ये काल्यवन वो काल्यवन है जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, मंदिर में चाकरी करता है, सेवा करता है, यज्ञ कराता है, अनुष्ठान कराता है, भजन कराता, कीर्तन कराता, स्मरण कराता है, पर पाप भी बहुत करता है, तो फिर मार दे। भगवान कृष्ण कहने लगे, दाऊ दादा इसका पुण्य इतना ज्यादा है कि पाप कम है, पुण्य ज्यादा है, जब तक पुण्य समाप्त नहीं होगा तब तक काल्यवन मरेगा नहीं, इसका पुण्य समाप्त होगा तो काल्यवन को मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद मर जाएगा। तो दाऊ दादा ने पूछा, रे कृष्ण इसका पुण्य समाप्त कैसे होगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, दाऊ दादा मुझे युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। तो युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भागे? भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा जब मैं युद्ध का मैदान छोड़कर भागूंगा, मेरे पीछे पीछे काल्यवन भागेगा, मेरी पीठ देखकर भागेगा, जब मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा और अंदर गुफा में आएगा, अपने आप मर जाएगा, मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भीतर आएगा मुझे मारने की जरूरत नहीं, और मुचकुंद के नेत्र से काल्यवन जलकर भस्म हो गया मात्र पुण्य समाप्त होने से। इसलिए विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण ये तीनों कहती है कि जब हम मंदिर के पीछे सिर नवाते हैं, मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं, तो हमारी जिंदगी में हम जितना पुण्य करते हैं वो हमारा सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। हमने किसी एकादशी का उद्यापन करा, व्रत करा, मंगलवार सोमवार कुछ भी करा, सब समाप्त, दान पुण्य करा वो समाप्त, मंदिर के पीछे प्रणाम करने से हमारा पुण्य चला जाता है।